प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित किया, नई योजना शुरू की तो आत्मनिर्भर बनने की बात भी दोहराई। देश में बेटियों की पढ़ाई को लेकर भी ऐलान किया गया, ऐलान कि देश के सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ सकेंगी। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं एक खुशी देशवासियों से साझा कर रहा हूँ। मुझे लाखों बेटियों के संदेश मिलते थे कि वो भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए भी सैनिक स्कूल के दरवाजे खोले जाएं। 2.5 साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का हमने एक छोटा सा प्रयोग प्रारंभ किया था। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। सभी सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेंगी। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में पीएम मोदी ने लद्दाख का भी जिक्र किया, कहा कि सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब लद्दाख को उच्च शिक्षा का केंद्र बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया आज लद्दाख में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रही है। बता दें कि देश में अभी 33 सैनिक स्कूल हैं। अब तक सैनिक स्कूलों में केवल लड़के ही दाखिला ले सकते थे। ये स्कूल सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जाते हैं, जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य रक्षा अकेडमियों में होने वाली भर्ती में क्षेत्रीय असंतुलन खत्म करना था। इसके अलावा इन स्कूलों के माध्यम से ऐसे युवाओं को चुनना था जो यहाँ से निकलकर देश की सेवा में भागीदार बन सकें। साथ ही छात्रों को कम उम्र से ही भारतीय सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए तैयार करना रहा है। अब इन स्कूलों में लड़कियां भी एडमिशन ले सकेंगी। अब तक यहाँ एडमिशन का ये प्रोसेस रहा है कि अगर कोई अपने बेटे का सैनिक स्कूल में दाखिला करवाना चाहता है तो कक्षा 6 से 9 में पढ़ने के दौरान ही एडमिशन कराना होगा। बच्चे की आयु 10 से 15 वर्ष होनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम हर साल जनवरी में कराए जाते हैं। www.sainikschooladmission.in पर जाकर एडमिशन प्रोसेस देख सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम और आवासीय विद्यालय होते हैं और यहाँ CBSE का पाठ्यक्रम चलता है। सैनिक स्कूल कैडेट्स के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हैं। यहाँ छात्रों को देश की रक्षा सेवाओं में अधिकारियों के रूप में नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जाता है। ग्रामीण बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही उनमें देश प्रेम की भावना जगाना उद्देश्य होता है। इन स्कूलों में गरीब परिवार के बच्चे यदि टैलेंटेड हैं तो उन्हें हर तरह की सहायता कर आगे बढ़ाया जाता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।